Hello everyone, welcome to Inklings English classes. In this video, we are going to discuss August Wilson's 1985 play Fences. So, first of all, we are going to have a look at the important characters of the play. Then, we will discuss the detailed summary of the play. And finally, we will discuss the major themes of the play. सो इफ यू हैवेंट येट सब्सक्राइबर चैनल डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल मिस एनी अपडेट और नोटिफिकेशन अगस्ट विल्सन एक महान अफ्रीकन अमेरिकन प्ले हुए हैं फैंसिस उनके द्वारा 1985 में लिखा गया था यह प्ले उनके द्वारा लिखे गए पिट्सबर्ग साइकिल के 10 प्लेज में से छठे नंबर पर आता है फेंसिस के लिए उन्हें उन्नीस का पुलितर प्राइज़ फॉर ड्रामा और उन्नीस का ही टोनी अवार्ड फॉर बेस्ट प्ले भी मिला प्ले की सेटिंग पिट्सबर्ग नामक जगह की है जहाँ पर साउथ ईस्टर्न अमेरिकन स्टेट से स्लेव्स यानी कि गुलाम आज़ादी पाने के लिए वहाँ आते थे हालांकि पिट्सबर्ग का नाम कहीं भी प्ले में ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया लेकिन जो लोकेशंस प्ले में बताई गई हैं वे पिट्सबर्ग से बिल्कुल मैच करती हैं इस प्ले को दो एक्ट्स में डिवाइड किया गया है एक्ट वन में चार सीन्स हैं और एक्ट टू में पांच सीन्स हैं इस प्ले के प्लॉट की बिगनिंग 1957 में होती है और इसका अंत 1965 में होता है इस प्ले के ज़रिए अगस्त विल्सन ने 20वीं सदी के 50वें दशक के दौरान यू में अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की दशा को दिखाने की कोशिश की है सेवनटीन सेंचुरी में वाइट लैंड ओनर्स अफ्रीकन नीग्रोज को खरीद कर अपने फार्म्स में गुलाम बनाकर काम करवाने के लिए लाते थे उनके पास कोई अधिकार नहीं होते थे इसके अलावा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था लेकिन नाइन्टीन सेंचुरी में सिविल वॉर ख़त्म होने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने 1863 में स्लेवरी यानी कि गुलाम प्रथा को ख़त्म कर दिया था नीग्रोज को सिटीजनशिप का अधिकार तो मिल गया था मगर उनके साथ जीवन के हर एक स्तर पर भेदभाव किया जाता था फेंसिस के द्वारा विल्सन ने कलर्ड अमेरिकन्स के मार्जिनलाइजेशन को बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश की है वाइट अमेरिकन अपने घर को फेंस करके रखते थे ताकि ब्लैक्स को अपने से अलग रख सकें यहाँ तक कि उन्हें ऐसा काम दिया जाता था जो वाइट लोग करना पसंद नहीं करते थे उन्हें कूड़ा करकट उठाने कुलिस या फिर कार ड्राइवर्स के काम दिए जाते थे जिसके लिए उन्हें बहुत कम पे किया जाता था इस वजह से वे मिजरेबल ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर थे नाउ लेट्स अ लुक एट द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले विदाउट वेस्टिंग अ टाइम सो अवर फर्स्ट कैरेक्टर इज ट्रॉय मैक्सन ट्रॉय मैक्सन इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है जिसकी उम्र लगभग पचास साल की है वह एक ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन है अवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज जिम बोनो जिम बोनो ट्रॉय का दोस्त है जिसे वह जेल में मिला था अवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज रोज रोज ट्रॉय की दूसरी पत्नी है अवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज लियंस लियन्स ट्रॉय और उसकी पहली पत्नी का बेटा है वह जैज़ म्यूजिक बजाता है उसकी शादी एक बोनी नाम की लड़की से हो रखी है जो कि हॉस्पिटल में काम करती है वह अब लगभग पैंतीस साल का हो चुका है और अभी तक वेल नहीं है अवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज कोरी कोरी ट्रॉय और रोज़ का बेटा है और वह फुटबॉल खेलता है अवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज गेब्रियल गेब्रियल ट्रॉय का भाई है जो कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जख्मी हो गया था अवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज अल्बर्टा एल्बर्टा के साथ ट्रॉय का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और अल्बर्टा जब अपनी बेटी को जन्म देती है उसके साथ ही उसकी मौत हो जाती है अवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज रेनल रेनल एल्बर्टा और ट्रॉय की बेटी है अवर नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर रैंड मिस्टर रैन ट्रॉय के बॉस हैं अवर नेक्स्ट कैरेक्टर इज कोच जेलमैन। कोच जेलमैन कोरी के हाई स्कूल फुटबॉल कोच हैं नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल समरी ऑफ द प्ले इस प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर ट्रॉय मैक्सन एक काला अफ्रीकन अमेरिकन है ट्रॉय मैक्सन का लास्ट नेम मैक्सन दो शब्दों मैसन और डिक्सन का कॉम्बिनेशन है जो कि सिविल वॉर से पहले नॉर्दर्न और साउथर्न अमेरिकन स्टेट्स को डिवाइड करने वाली एक काल्पनिक लाइन को दर्शाता है अपनी जवानी के दिनों में ट्रॉय नीग्रो लीग बेसबॉल का एक बेहतरीन खिलाड़ी था ट्रॉय के पिता उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे इसी वजह से ट्रॉय ने चौदह साल की उम्र में घर छोड़ दिया था इसी दौरान ट्रॉय एक ब्लैक वुमन से शादी कर लेता है और उनके घर एक बेटा होता है जिसका नाम है लियोन्स। वह अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से समझता है और इसके लिए वह लूटपाट चोरी चकारी जैसे हर तरह के काम करता है एक बार वह चोरी करते समय किसी को गलती से मार देता है जिस वजह से उसे जेल जाना पड़ता है जेल में ट्रॉय बेसबॉल की प्रैक्टिस जारी रखता है वह एक बेहतरीन बेसबॉल प्लेयर के रूप में उभरता है लेकिन ट्रॉय को तब तो बड़ा सदमा लगता है जब उसकी सिलेक्शन एक निग्रो होने की वजह से मेजर लीग बेसबॉल के लिए नहीं होती उसके बेहतरीन होने के बावजूद भी उससे इन्फीरियर प्लेयर को टीम में ले लिया जाता है टीम में केवल वाइट प्लेयर्स को ही लिया गया फिर चाहे वो इतने अच्छे खिलाड़ी भी नहीं थे फिर कुछ सालों बाद एफ्रो अमेरिकन प्लेयर्स को टीम में खेलने की आज्ञा मिली तो ट्रॉय को ओवर एज कहकर रिजेक्ट कर दिया गया जब वह जेल से बाहर आया तो उसे पता चला कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है फिर उसने रोज से शादी कर ली जो कि उम्र में ट्रॉय से दस साल छोटी है ट्रॉय अपनी बीवी रोज़ बेटे कोरी और छोटे भाई गेब्रियल के साथ टाउन के बाहर एक छोटे से घर में रहता है ट्रॉय का भाई गेब एक एक्स सोल्जर है जिसे युद्ध के दौरान सिर में चोट लगने की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गई थी गेब को तीन हज़ार डॉलर सरकार की तरफ से मिले थे ट्रॉय ने उस मनी को अपने लिए एक घर और अपने भाई के लिए एक रूम ले लिया था प्ले की ओपनिंग से कुछ समय पहले ही गेब्रियल ने पास ही पड़ोस में एक अलग रूम रेंट पे लिया था ट्रॉय का एक बड़ा बेटा लियॉन्स उनसे अलग रहता है बोनो ट्रॉय का दोस्त है और उसके साथ कूड़ा करकट इकट्ठा करने का काम करता है प्ले की शुरुआत ट्रॉय और रोज़ की शादी के लगभग सतारह साल बाद होती है जिस दिन प्लेयर की स्टार्टिंग होती है उस दिन फ्राइडे है और फ्राइडे पेडे है मतलब कि फ्राइडे को ट्रॉय को सैलरी मिलती है दोनों अपने दोस्त ट्रॉय के घर आता है वे दोनों ड्रिंक्स शेयर करते हैं और जोक्स एक्सचेंज करते हैं और अपने पास्ट को भी याद करते हैं ट्रॉय को हर हफ्ते सेवेंटी सिक्स डॉलर्स मिलते हैं और उसमें से वह सेवेंटी डॉलर्स रोज़ को घर चलाने के लिए दे देता है बेशक ट्रॉय रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है लेकिन उसमें भी कुछ वीकनेसेस हैं रोज़ काफ़ी समय से ट्रॉय और कोरी को घर के इर्द गिर्द फैंस यानी कि बाढ़ करने को कह रही थी लेकिन अभी तक फैंस पूरी नहीं हो पाई थी ट्रॉय बोनो से बात करते करते उसे बताता है कि उसने अपने बॉस मिस्टर रैंड से बात की है कि ब्लैक एम्प्लॉयज़ को गार्बेज ट्रक क्यों नहीं चलाने दिए जाते क्यों उन्हें हमेशा कूड़ा करकट उठाने का ही काम दिया जाता है ट्रॉय बोनो को बताता है कि मिस्टर रैंड ने उसे आश्वासन दिया है कि उसकी कंप्लेंट यूनियन के सामने अवश्य रखी जाएगी फिर वे टेलर्स बार की बात करते हैं जहाँ जाने का बहाना ट्रॉय अक्सर करता है बोनो ट्रॉय से कहता है कि जब ट्रॉय को टेलर्स बार में होना चाहिए था उस समय उसने ट्रॉय को अल्बर्टा के साथ कहीं देखा था ट्रॉय बोनो के सामने कन्फेस करता है कि उसका अल्बर्टा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है बोनो उसके इस नाजायज़ संबंध को गलत ठहराता है इतने में रोज बाहर आती है और ट्रॉय को बताती है कि उनके बेटे कोरी ने कॉलेज की फुटबॉल टीम ज्वाइन कर ली है और उसकी सिलेक्शन के लिए एक कोच भी आ रहा है ट्रॉय को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे उसे बेसबॉल के मेजर लीग मैच खेलने से नकार दिया गया था इसी बीच ट्रॉय का बड़ा बेटा लियोन्स अपनी पॉकेट मनी लेने के लिए आता है रोज उसे बिना किसी ग्रेजेस के दस डॉलर्स दे देती है फिर रोज और लियोन्स नंबर्स जो कि एक गैम्बलिंग गेम है खेलना शुरू कर देते हैं ट्रॉय को रोज़ का गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं लगता और खुद के अल्बर्टा के साथ अफेयर्स से उसे कोई एतराज़ नहीं है और यहाँ तक कि वह अपने बॉस मिस्टर रैंड से शिकायत करके अपनी नौकरी को भी जोखिम में डाल देता है सैटरडे को कोरी अपनी गेम के बाद लंच के लिए घर वापस आता है और इतने में ट्रॉय भी टेलर्स बार से वापस आ जाता है वह कोरी को फेंस बनाने में हेल्प करने के लिए बाहर बुलाता है ट्रॉय और कोरी गेम के बारे में बात करते हैं कोरी अपने फादर ट्रॉय से टीवी खरीदने के लिए बोलता है ताकि वे घर पर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकें कोरी उसे बताता है कि एक अच्छा टेलीविज़न लगभग 200 डॉलर्स में आ सकता है लेकिन ट्रॉय इस मनी से घर की छत की मरम्मत करवाना चाहता है लेकिन ट्रॉय कहता है कि वह एक शर्त पर टीवी खरीद सकता है अगर कोरी उसे सौ डॉलर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन दे दी इसके बाद जब कोरी फिर से फुटबॉल खेलने की बात करता है तो दोनों बाप बेटे में अनबन हो जाती है ट्रॉय को अपना अतीत याद आने लग जाता है कि कैसे रेसिज्म की वजह से उसे लीग मैचेस नहीं खेलने दिए गए थे वह कोरी को समझाता है कि गेम सिर्फ वाइट पीपल के लिए है और कोरी को फुटबॉल को भुलाकर अपनी जॉब पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए रोज अपने बेटे की तरफ से अपने पति को समझाने की कोशिश करती है कि अब समय बदल चुका है कोरी के सिलेक्शन के लिए कोच आ रहा है इसलिए ट्रॉय को भी अपने बेटे को कॉलेज टीम में मैच खेलने की इजाज़त दे देनी चाहिए कोरी अपने पिता को इन्फॉर्म करता है कि उसने फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए अपनी जॉब भी छोड़ दी है यह सुनकर ट्रॉय को गुस्सा आ जाता है और उसे गेम खेलने से सख्त मना कर देता है और दोबारा से अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए कहता है क्योंकि उसका मानना है कि गेम ब्लैक लोगों के लिए नहीं है वह अपनी पत्नी से भी सख्त शब्दों में कह देता है कि वह घर खर्च के लिए और धन नहीं दे सकता दो हफ्ते बाद ट्रॉय और बोनो अपनी वीकली मीटिंग के लिए ट्रॉय के घर पे फिर से मिलते हैं उस दिन ट्रॉय का भाई गेब्रियल जो कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जख्मी हो गया था वह भी वहाँ आता है और वह कहता है कि जजमेंट डे वाले दिन स्वर्ग के दरवाजे खोलने की जिम्मेदारी उसकी है बोनो और ट्रॉय रेसिस्ट अमेरिका में गुजरे अपने बचपन की बात करते हैं और अपने माता पिता को भी याद करते हैं कौरे गुस्से से घर में आता है क्योंकि उसके पिता ने उसके कोच जैलमिन से कह दिया था कि कोरी टीम में नहीं खेलेगा कोरी गुस्से में अपने पिता पर अटैक करता है क्योंकि उसके अपने जीवन में हुई हार की वजह से कोरी के हाथों से इतना अच्छा मौका छिन गया था ट्राय कोरी को उसकी इनसबार्डिनेशन के लिए डांटता है एक्ट टू सीन वन में कोरी अपनी माँ से कहता है कि वह फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ेगा रोज़ उसे कहती है कि वह उसके पिता को समझाकर मनाने की कोशिश करेगी ट्रॉय गेब्रियल को जेल से छुड़वा कर लाता है जिसके लिए उसे पचास डॉलर पे करना पड़ता है बोनो और ट्रॉय फेंस बना रहे होते हैं बोनो ट्रॉय को समझाने की कोशिश करता है कि रोज़ क्यों फेंस बनाने पर जोर दे रही है क्योंकि रोज़ अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और फैंस के ज़रिए वह यह इंडिकेट करना चाहती है कि उसका परिवार उसके साथ रही ट्रॉय एक दिन अचानक ही रोज़ को बताता है कि वह किसी दूसरी औरत के बच्चे का पिता बनने वाला है रोज़ इस न्यूज़ को सुनकर हैरान परेशान हो जाती है उसे इस बात पर यकीन ही नहीं आता कि उसका पति उससे धोखा कर रहा था वह पिछले 18 सालों से ट्रॉय को प्यार करती रही है और उसके प्रति फेथफुल रही है और अचानक उसे पता चलता है कि उसका पति उसे धोखा दे रहा था ट्रॉय रोज के दर्द को समझ ही नहीं पाता रोज़ ट्रॉय से कहती है कि उसने हमेशा अपने बारे में ही सोचा है उसे हमेशा लेना ही आया है कभी उसने किसी को दिया नहीं है ट्रॉय को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह रोज़ को ज़ोर से पकड़ लेता है रोज़ दर्द से चिल्ला उठती है फिर जैसे ही वह घर से बाहर आता है कोरी उसे पकड़ लेता है और मारना पीटना शुरू कर देता है ट्रॉय उसे वार्न करता है कि उसने दूसरी बार अपने पिता से दुर्व्यवहार किया है अगले छः महीने तक रोज़ और ट्रॉय के बीच कोई बातचीत नहीं होती बेशक वे दोनों एक ही घर में रहते हैं लेकिन रोज़ ट्रॉय को बिल्कुल भी नहीं बुलाती ट्रॉय हर फ्राइडे को अल्बर्टा से टेलर्स बार जाने के बहाने मिलने जाता है फ्राइडे को रोज़ ट्रॉय को जल्दी घर आने के लिए कहती है लेकिन ट्रॉय यह कहकर मना कर देता है कि उसे कोई ज़रूरी काम है रोज़ ट्रॉय का जवाब सुनकर नाराज़ हो जाती है ट्रॉय फिर उसे बताता है कि वह अल्बर्टा को देखने हॉस्पिटल जा रहा है क्योंकि उसे लेबर पेन जल्दी स्टार्ट हो गया है फिर रोज़ उसे एक बुरी खबर सुनाती है कि उसकी अनपढ़ता की वजह से ट्रॉय ने गलत पेपर्स पर साइन कर दिए थे जिनकी वजह से गेब्रियल को पागल खाने ले जाया जा रहा है इतने में ही फ़ोन की घंटी बजती है रोज़ कॉल अटेंड करती है तो उसे पता चलता है कि अल्बर्टा ने एक बच्ची को जन्म दिया है और बच्ची के पैदा होते ही अल्बर्टा की मौत हो गई है जब ट्रॉय को इस बात का पता चलता है तो वह जोर जोर से मौत मौत यानी कि डेथ-डेथ चिल्लाने लग जाता है वह मौत को उसके साथ मैन टू मैम लड़ने की चैलेंज करता है यहाँ वह मौत को एक इंसान की तरह संबोधित करता है ट्रॉय हॉस्पिटल जाता है और नवजात बच्ची रेनेल को अपने साथ घर ले आता है वह बरामदे में बैठकर गीत गाता है जिसमें वह ट्रेन इंजीनियर से कहता है कि उसे आज़ादी की तरफ ले जाए रोज़ बच्ची को अपनाने का फैसला करती है और उसके पिता को उसकी गलतियों के लिए माफ़ कर देती है और खुद ट्रॉय से अपना रिश्ता तोड़ लेती है ट्रॉय उसी घर में रहते हुए अपनी फैमिली के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाता है रोज़ एक इंडिपेंडेंट लाइफ व्यतीत करती है और ख़ुद को चर्च की सेवा में समर्पित कर देती है ट्रॉय ड्राइवर बन जाता है इसलिए ट्रॉय और बोनो की दोस्ती भी ठंडी पड़ जाती है अब ट्रॉय पे डे वाले दिन अकेले ही ड्रिंक करता है कोरी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और वह अब अपनी जॉब ढूंढ रहा है ट्रॉय और कोरी के बीच में फिर से झगड़ा होता है तो ट्रॉय उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहता है कोरी घर छोड़कर चला जाता है ट्रॉय फिर से डेथ यानी कि मौत जिसे अपनी कल्पना में वह इंसान समझता है उसे याद करता है वह कहता है कि अब वह उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है एक्ट टू के लास्ट सीन की ओपनिंग सात साल बाद होती है रेनल आंगन में खेल रही होती है रोज़ ट्रॉय के फ्यूनरल की तैयारी कर रही होती है ट्रॉय की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है कोरी मरीन से घर आता है लेकिन ट्रॉय का फ्यूनरल अटेंड करने से मना कर देता है लेकिन रोज़ उसे समझाती है कि उसके पिता का व्यवहार उसके प्रति क्यों ऐसा था और वह उसे समझाकर फ्यूनरल अटेंड करने के लिए मना लेती है और अपने पिता को उसकी कमियों के लिए माफ़ करने के लिए भी कहती है वह उसे समझाती है कि ट्रॉय ने हर अच्छे बुरे वक्त में अपनी फैमिली के लिए सिंसियरली काम किया है रोज़ रैनल और कोरी मिलकर ट्रॉय का एक गीत गाते हैं जो कि ब्लू नामक डॉग के बारे में है गेब्रियल भी असाइलम से भागकर कर वहाँ आ जाता है और नाचते हुए कहता है दिस इज़ द वे दैट कोस उसका यह कथन 1965 में एफ्रो अमेरिकन की लाइफ में आए बदलाव को दर्शाता है तो यह प्ले ट्रॉय के माध्यम से उस दर्द और संघर्ष को बयान करता है जो कि कलर्ड लोगों ने यूएसए में रहकर सहन किया था वी विल डिस्कस द थीम्स ऑफ दिस प्ले इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद इंक्लिंग इंग्लिश क्लासेस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक द वीडियो